वेलकम टू रीडेक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक्स शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है खून का बदला खून, और ये कॉमिक सेकंड पार्ट है मौत एक पहेली का। ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी मनोज कॉमिक्स के अंतर्गत, और ये एक सस्पेंस और थ्रिल जॉनरे की कॉमिक्स है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर कॉमिक्स को, जिसका नाम है खून का बदला खून। खून का बदला खून। लेखक असित चटर्जी। चित्रांकन जगदीश पंकज। पिछले अंक मौत एक पहेली में आपने पढ़ा कि डिटेक्टिव सुनील लंदन में अपनी जासूसी की धूम मचाने के बाद स्वदेश इसलिए लौट आता है ताकि अपने देशवासियों की सेवा कर सके। सुनील के दोस्त पुलिस सुपरिटेंडेंट को सुनील का ये कदम उचित नहीं लगता है। वो सुनील को समझाता है, लेकिन सुनील अपनी जिद पर अड़िग रहता है। तभी सुनैना नाम की एक युवती सुनील के ऑफिस में आती है और बताती है कि किशोर नाम का एक व्यक्ति, जो कि उसके पहले प्रेमी मोहन का दोस्त था, उसके प्रेम पत्रों के जरिए उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वो उन पत्रों को सुनील की मदद से प्राप्त करना चाहती है। सुनील मदद करने को तैयार हो जाता है। वो जबरदस्ती किशोर से सुनैना के प्रेम पत्र प्राप्त कर लेता है, लेकिन अगले ही दिन सुबह SP गोपीनाथ उसे बताता है कि किशोर की हत्या कर दी गई है। गोपीनाथ सुनील को घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी का प्रमाण देते हुए उससे वहां जाने की वजह पूछता है, लेकिन सुनील टाल जाता है। परंतु जब सुनील किशोर से प्राप्त किए गए पत्र सुनैना को देने के लिए उसके फ्लैट पर पहुंचता है, तो ये जानकर आश्चर्य में पड़ जाता है कि सुनैना ने खुदकुशी कर ली है। सुनैना की बहन कामना पुलिस को बयान देती है कि सुनील रात को वहां आया था, किंतु वो इस बात से इनकार करता है। फिर वो कामना से पूछताछ करने के बाद इंस्पेक्टर घोषाल से विदा ले फ्लैट से बाहर निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जानने के लिए प्रस्तुत चित्रकथा पढ़ें। सुनैना के फ्लैट से निकल सुनील सीधा मोहन से मिलने कामना द्वारा दिए गए उसके पते पर पहुंचा। गोरखा, मोहन साहब घर पर है? आप कौन है साहब? सुनील ने जानबूझकर झूठ बोला। मैं मोहन का दोस्त हूँ, जाकर उससे कहो किशोर मिलने आया है। आप मोहन साहब से अब कभी नहीं मिल सकता साहब, कभी नहीं। बूहू, कहकर गोरखा चौकीदार फूट फूट कर रोने लगा। चौकीदार को रोते देख सुनील शंकित स्वर में बोला, अरे भाई तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है? मोहन साहब अब इस दुनिया में नहीं रहा। सुनील के मस्तिष्क में जैसे धमाका हुआ। क्या, ये कब हुआ? वो 1 घंटा पहले फोन पर खबर मिला, मोहन साहब लोकल ट्रेन से गिरकर मर गया। कोठी का सब लोग उन्हीं को देखने गया है। हमको इजाजत मिलता तो हम भी जाता साहब, हमारा साहब देवता था साहब। बुहू। अपनी बात पूर्ण करते करते चौकीदार एक बार फिर सुबह उठा। सुनील उसे दिलासा देते हुए बोला, शांत हो जाओ गोरखा, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, शायद भगवान को यही मंजूर था। और फिर असमंजस में डूबा सुनील मोटरसाइकिल की ओर बढ़ गया। सुनील के जाते ही, वो आदमी तुमसे क्या बात कर रहा था? क्या मोहन की मौत वाकई हादसा है, अथवा इस खूनी षड्यंत्र का सिलसिला अभी जारी है? उधर थाने में इंस्पेक्टर घोषाल SP गोपीनाथ को सुनैना मृत्यु कांड का ब्यौरा देते हुए कह रहा था, सर मैंने जानबूझकर सुनील को कामना से मिलने की इजाजत दी थी। मैं सुनील और कामना की बातचीत सुनना चाहता था, मैं अपने उद्देश्य में सफल भी हुआ। फिर इंस्पेक्टर घोषाल सुनील और कामना की बातचीत के बारे में बताते हुए बोला, बातचीत से यही जाहिर हुआ था कि सुनील मोहन से मिलने जरूर जाएगा, अतः मैंने अपना एक आदमी उसके पीछे लगा दिया है। गुड, सुनील पर पूरी नजर रखो, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, इसकी पूरी रिपोर्ट मुझे मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। इंस्पेक्टर घोषाल ने रिसीवर क्रेडिल पर रखा ही था कि एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही इंस्पेक्टर गुस्से से उबल पड़ा, भंडारी तुम्हें तो मैंने सुनील के पीछे भेजा था। सर मैं उसका पीछा करते हुए मोहन की कोठी तक गया था, वहां पता चला कि करीब 1 घंटा हुए मोहन की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई, अतः मैं सुनील साहब का पीछा छोड़ दुर्घटना पर पहुंचा। वहां पहुंचकर पता चला कि मोहन की मौत महज एक हादसा नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी। व्हाट, ये तुम्हें कैसे पता चला? उस औरत से सर, जो इस घटना के समय उस कंपार्टमेंट में मौजूद थी। कहाँ है वो औरत, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसे मैं अपने साथ ले आया हूँ। कहने के साथ ही भंडारी ने बाहर खड़ी महिला को अंदर बुला लिया। अगले ही पल, नमस्ते नमस्ते, बैठिए। महिला के बैठने के बाद, हाँ तो आप कैसे कहती हैं कि लोकल ट्रेन से गिरकर मरने वाले व्यक्ति की हत्या की गई है?
मैंने एक आदमी को मृतक को धक्का देते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है, महिला विस्तार से बताते हुए बोली। मैं जहां बैठी थी वहां से दरवाजे का दृश्य साफ नजर आ रहा था। अगला स्टेशन आने वाला था। मैंने मृतक को दरवाजे पर जाकर खड़ा होते देखा। ठीक तभी एक आदमी उसके पीछे आया और अचानक ही उसने मृतक को धक्का दे दिया। ये देख मैं हतप्रभ सी रह गई। इससे पहले कि मैं चिल्लाकर लोगों का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट करती, स्टेशन आ गया और ट्रेन के रुकने से पहले ही वो प्लेटफॉर्म पर कूदकर मेरी नजरों से ओझल हो गया। स्टेशन पर उतरकर मैं वापस घटनास्थल पर पहुंची ताकि पुलिस को हत्यारे के बारे में बता सकूं। क्या आप हत्यारे को देखकर पहचान सकेंगी? अवश्य, मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल सकती। गुड। फिर इंस्पेक्टर घोषाल के आदेश पर उनके असिस्टेंट भंडारी ने उस महिला के कथा अनुसार अज्ञात हत्यारे के चेहरे, मोरे और हुलिये का ब्यौरा अपनी डायरी में नोट कर लिया। तत्पश्चात महिला का नाम, पता और रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद इंस्पेक्टर घोषाल बोले, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, अब आप घर जा सकती हैं। जरूरत पड़ी तो मैं आपको फिर तकलीफ दूंगा। जी नमस्ते, कहकर महिला चली गई। महिला के जाने के बाद, मिस्टर भंडारी, मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। इस महिला द्वारा दिए गए हत्यारे के ब्यौरे के आधार पर तस्वीर बनवाने के बाद ही हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। तब तक यहीं रहो और मेरे अगले आदेश का इंतजार करो। और फिर हेडक्वार्टर पहुंचकर इंस्पेक्टर घोषाल ने महिला द्वारा दिए गए ब्यौरे के आधार पर हत्यारे की जो तस्वीर बनाई उसे देख एसपी गोपीनाथ बुरी तरह से चौंक उठे। डिटेक्टिव सुनील, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक जिस समय मोहन की हत्या हुई सुनील सुनैना के फ्लैट पर था। सिर्फ यही नहीं सर, सुनील जब से सुनैना के फ्लैट से निकला था मेरा असिस्टेंट बराबर उसका पीछा करता रहा था। इससे तो साफ जाहिर है कि सुनील का इस हत्याकांड में कोई हाथ नहीं है। लेकिन फिर वो कौन था जिसने मोहन की हत्या की? वो कोई सुनील का हमशक्ल है सर, जो पुलिस का ध्यान सुनील की तरफ आकर्षित कर एक के बाद एक तीन हत्याएं कर चुका है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो महिला हत्यारे से मिली हो और हत्यारे के कहने पर ही। नो सर, इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि डॉक्टर नाथ और कामना के बयान भी सुनील पर ही शक डालते हैं, जबकि सुनील उनके बयानों का खंडन करता आ रहा है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि हत्यारा कौन है और इन हत्याओं के पीछे उसका मकसद क्या है? कामना और सुनील के बीच हुई बातचीत से जाहिर है कि इन मृतकों का आपस में संबंध था और इन तीनों की मौत का जिम्मेदार सुनील का वो हमशक्ल ही है। लगता है हत्यारे की इनसे कोई पुरानी दुश्मनी थी। हो सकता है वो आगे और भी कत्ल करे। तुम ठीक कहते हो मिस्टर घोषाल, लेकिन जैसे भी हो इस कत्ल के सिलसिले को रोकना ही होगा। लेकिन हम ये नहीं जानते सर कि हत्यारे का अगला शिकार कौन है। जब तक हमें हत्यारे के अगले शिकार का पता नहीं चल जाता, हम हत्यारे को कैसे रोक सकते हैं? एक तरीका है, तुम सुनील को गिरफ्तार कर लो। सुनील की गिरफ्तारी के बाद हत्यारा सुनील के हमशक्ल होने का फायदा नहीं उठा सकेगा और पुलिस की नजर से बचने के लिए वो अपनी कार्रवाई रोकने के लिए मजबूर हो जाएगा और हमें भी कुछ करने के लिए समय मिल जाएगा। गुड आइडिया सर। इस बीच हम अपना आदमी दार्जिलिंग भेजकर ये पता लगाने की भी कोशिश करेंगे कि उस टूर में सुनैना और किशोर के अलावा कौन कौन था और वहां क्या घटना घटी थी। हो सकता है हमें हत्यारे के बारे में जानकारी प्राप्त करने में कामयाबी मिल जाए। सफलता की आशा में घोषाल की आंखें चमक उठी। इंस्पेक्टर घोषाल को सोच में डूबा देख, क्या सोचने लगे घोषाल, समय बर्बाद मत करो। जी सर। अपने हवासों में लौटते हुए इंस्पेक्टर घोषाल ने बड़बड़ाते हुए एसपी गोपीनाथ को सैल्यूट मारा और कक्ष से बाहर निकल गया। उधर ऑफिस में शांत कक्ष में बैठे सुनील का मन अपनी असफलता पर भिन्ना रहा था। समझ में नहीं आता क्या करूं। जानकारी हासिल करने का हर रास्ता बंद हो चुका है। बिना ये जाने कि दार्जिलिंग में सुनैना अपने मित्रों के साथ कहां ठहरी थी, वहां जाने का भी कोई लाभ नहीं होगा। काफी समय गुजर चुका है। तभी एक विचार बिजली की तरह सुनील के मस्तिष्क में कौंध गया। डॉक्टर नाथ किशोर के पुराने दोस्तों में से हैं। वही किशोर का इलाज भी कर रहे थे। शायद वो दार्जिलिंग में घटी घटना और उस टूर में गए लोगों के बारे में जानते हों। अगले ही पल मुझे फौरन डॉक्टर नाथ से मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही सुनील अपने ऑफिस कक्ष से बाहर निकला, मिस्टर सुनील, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर, बस एक दो दिन। कुछ कहने की जरूरत नहीं है मिस्टर सुनील, मेरे पास आपकी गिरफ्तारी के वारंट है। अब ये मेरी एक नहीं सुनेगा। अगर ये मुझे थाने ले गए तो वहां से बाहर आने में समय लग सकता है और तब तक कुछ भी हो सकता है। इंस्पेक्टर घोषाल के शब्दों में छुपी शक्ति को भांप सुनील का मस्तिष्क तेजी से सोचने लगा। जैसे भी हो मुझे अपनी गिरफ्तारी को टालना होगा। और इस निश्चय पर पहुंचते ही सुनील का शरीर तेजी से हरकत में आ गया। तड़ाक, और इससे पहले कि इंस्पेक्टर घोषाल संभल पाता,
पकड़ो, भागने ना पाए। ठक 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 ठक। दौड़ते हुए सुनील का दिमाग पूरी तरह सक्रिय हो उठा। सीढ़ियों के रास्ते जाना ठीक नहीं होगा, नीचे पुलिस के और आदमी हो सकते हैं। और फिर छन्नाक, वाह, आप किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है साहब। सुनील जैसे ही नीचे सड़क पर गिरा उछलकर खड़ा हो गया। रह गए ना टापते। सुनील साहब रुक जाइए। किंतु सुनील रुका नहीं। और फिर विभिन्न गलियों में चक्कर लगाता हुआ सुनील मुख्य सड़क पर पहुंचा ही था कि टैक्सी। थोड़ी देर के बाद, जल्दी ही कलकत्ता की पुलिस मेरी तलाश में लग जाएगी, अतः मुझे जल्द से जल्द अपना चेहरा तथा हुलिया बदल लेना चाहिए। लगभग 15 मिनट बाद सुनील टैक्सी को छोड़ लेन से होता हुआ अपनी कोठी के पिछवाड़े जा पहुंचा। और गनीमत है इस दरवाजे की एक चाबी हमेशा मेरे पास रहती है। फिर सुनील दरवाजा अंदर से बंद कर आगे बढ़ गया। लेकिन अभी वो तहखाने के द्वार पर पहुंचा ही था कि मालिक आप? पांडुराम तू यहां क्या कर रहा है? चल फुट। मालिक, पुलिस आपको गिरफ्तार करने कोठी पर आई थी। माँ जी बहुत परेशान है। कई बार आपके ऑफिस का नंबर मिलाने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। देखो पांडुराम, मैं यहाँ आया था, ये किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। जी, लेकिन माँ जी, मम्मी से कहना मैं बहुत जल्दी अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर लौटूंगा, वे चिंता ना करें। पांडुराम के जाने के बाद सुनील ने तहखाने का द्वार खोला और सीढ़ियां उतरने लगा। फिर तहखाने में स्थित कक्ष में पहुंच सुनील ने अलमारी में रखे मास्कों में से एक छांटकर अपने चेहरे पर चढ़ा लिया और अपना हुलिया बदलने लगा। थोड़ी देर बाद अब पुलिस का बाप भी मुझे नहीं पहचान सकेगा। पूरी तरह संतुष्ट हो जिस तरह वो वहां पहुंचा था उसी तरह वहां से निकल गया। दिन भर सुनील इधर उधर घूमता रहा, फिर जैसे ही अंधेरा हुआ डॉक्टर नाथ के क्लिनिक में पहुंच गया। हम डॉक्टर नाथ को मिलना मांगता। आप बैठिए, डॉक्टर पेशेंट देख रहे हैं। ओके। लेकिन अभी सुनील सोफे पर बैठ ही रहा था कि ओ नो नो, अंदर से एक ऐसी आवाज उभर रही है। सुनील के मस्तिष्क में खतरे की घंटी घनघना उठी। अगले ही पल, ओ मैन क्या करते हो? नर्स लपक कर सुनील के निकट पहुंच गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? स्टॉप इट। शट अप नर्स, तुम नहीं जानती डॉक्टर नाथ की जान खतरे में है। सुनील को साफ हिंदी बोलते देख नर्स सक पका कर बोली, कौन हो तुम? मैं CID का आदमी हूं, दरवाजा खुलवाने में मेरी मदद करो। ओह। और नर्स ने फौरन दरवाजे की दूसरी चाबी सुनील के हवाले कर दी। लेकिन दरवाजा खोल सुनील जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, ओ माय गॉड, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। ओह। अगले ही पल, ओह, हत्यारा फिर भाग निकला। फिर सुनील हत्यारे का ख्याल छोड़ डॉक्टर नाथ की तरफ लपका। थैंक गॉड, अभी सांस चल रही है, इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा। डोंट वरी सर, हमारे क्लिनिक की वैन बाहर मौजूद है। और फिर जल्दी बड़ी सावधानी से घायल डॉक्टर नाथ को क्लिनिक वैन में पहुंचा दिया गया। तुरंत वैन दौड़ पड़ी, लेकिन किसी को उस रहस्यमय व्यक्ति की उपस्थिति का आभास ना हुआ जो खामोश खड़ा खूनी निगाहों से वैन को अपनी नजरों से ओझल होते देख रहा था। मेरा मारा पानी नहीं मांगता, अस्पताल पहुंचने से पहले डॉक्टर नाथ जरूर दम तोड़ देगा। उधर अस्पताल पहुंचते ही, डॉक्टर, इस व्यक्ति का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, किसी भी कीमत पर इसे आपको बचाना है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर नाथ का उपचार आरंभ होते ही सुनील SP गोपीनाथ से फोन पर संबंध स्थापित कर बोला, प्यारे सुपर, अगर तुम हत्यारे का रहस्य जानना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके दयानंद हॉस्पिटल पहुंच जाओ। तुम वहां क्या कर रहे हो? मैं डॉक्टर नाथ के होश में आने का इंतजार कर रहा हूं, जिसे कुछ ही देर पहले हत्यारे ने अपना शिकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सौभाग्य से वो अभी जिंदा है। उसका बयान तुम्हारे सारे भ्रम दूर कर देगा। ओह, मैं आ रहा हूं, तुम वहीं ठहरो। इतना कह गोपीनाथ ने संबंध विच्छेद कर दिया। सुनील ने भी रिसीवर रख दिया और बाथरूम में जाकर उसने अपने चेहरे से मास्क उतार लिया और दुरुस्त किया। फिर SP गोपीनाथ के पहुंचने का इंतजार करने लगा। सुनील को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। मुझे मालूम था तुम अकेले नहीं आओगे, अपने प्यारे को भी साथ लाओगे। डोंट बी सिली सुनील, तुम्हारी गिरफ्तारी का हुक्म मैंने ही दिया था। तुम्हारे सिवाय ऐसी हिमाकत और कौन कर सकता है? जलते जो हो मुझसे। मैंने तुम्हें गिरफ्तार करने का हुक्म सिर्फ इसलिए दिया था ताकि हम हत्यारे को आगे हत्या करने से रोक सकें, लेकिन तुम्हारे भाग निकलने से काम खराब हो गया। परंतु हत्यारे ने डॉक्टर नाथ की जान लेने की कोशिश क्यों की? ये तो डॉक्टर नाथ के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। उसी समय डॉक्टर को इमरजेंसी रूम से बाहर आते देख, अब मरीज की हालत कैसी है डॉक्टर? I am sorry, हम उसे बचा नहीं सके। डॉक्टर के मुख से डॉक्टर नाथ की मौत की खबर सुन, ओ माय गॉड, हत्यारे तक पहुंचने का ये मौका भी खत्म हो गया।
सुनील गहन चिंता में डूब गया। तभी गोपीनाथ सुनील को संबोधित कर बोले, सुनील क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं लंदन में बड़े बड़े पेचीदा केस सुलझाने वाला डिटेक्टिव सुनील हिंदुस्तान में आकर मात खा गया। लगता है हत्यारा बड़ा ही चालाक और चतुर है, उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल है। अब न जाने कौन बेचारा उसके हाथों मारा जाएगा। यू शट अप, हमारी पुलिस क्या इतनी निकम्मी है कि एक हत्यारे को भी नहीं पकड़ सकती? तभी कुछ सोच सुनील की आंखें चमक उठी। एक उपाय है। वो क्या? डॉक्टर नाथ की मौत की खबर को गुप्त रखा जाए और ये खबर फैलाई जाए कि डॉक्टर नाथ खतरे से बाहर हो गए हैं और जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इससे क्या होगा? हत्यारा डॉक्टर नाथ के जीवित होने की खबर अखबारों में पढ़ विचलित हो उठेगा और पुनः डॉक्टर नाथ को मारने की कोशिश करेगा और हम उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेंगे। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी आदमी उस कमरे तक ना पहुंच पाए जिसमें डॉक्टर को रखा जाएगा। ये सब इंतजाम मैं कर दूंगा। फिर सुनील इंस्पेक्टर घोषाल को आवश्यक हिदायतें देकर एसपी गोपीनाथ के साथ वहां से चला गया। उसके जाने के बाद इंस्पेक्टर घोषाल ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। करीब आधी रात को सुनील ने योजना के अनुसार डॉक्टर नाथ की जगह ले ली। उसे बड़े एहतियात से ट्रॉली में लिटाकर अस्पताल की चौथी मंजिल पर स्थित एक कमरे में पहुंचा दिया गया। किसी को कानो कान खबर ना हुई। उधर डॉक्टर नाथ पर हुए घातक हमले और उनके बच जाने की खबर पढ़ निश्चिंतता की सांस छोड़ते हुए गोपीनाथ इंस्पेक्टर घोषाल से बोले, सब कुछ योजना के अनुसार ठीक ही चल रहा है। देखना यह है कि ये योजना कामयाब सिद्ध होती है या नहीं। अभी तक तो कोई संदिग्ध घटना नहीं घटी है। हो सकता है हत्यारा उचित मौके के इंतजार में हो। सुरक्षा व्यवस्था में जरा भी ढील नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहें सर, वहां हमारे सुरक्षा कर्मियों की नजरों से बचकर कोई भी नहीं पहुंच सकता। एक एक पल की रिपोर्ट मुझ तक पहुंच रही है। अभी इंस्पेक्टर घोषाल ने अपनी बात समाप्ति की थी कि तभी क्लिक क्लिक। हेलो 01 रिपोर्टिंग सर, ओवर। रिपोर्ट ओवर। सर अभी तक यहाँ सब ठीक है, कुछ ही देर हुई डिटेक्टिव सुनील यहाँ आए थे। डिटेक्टिव सुनील, क्या बकते हो, इस समय कहाँ है वो? 01 की रिपोर्ट सुन इंस्पेक्टर घोषाल बुरी तरह चौंक उठा था। हमारे दो गार्डों के साथ वे डॉक्टर नाथ के कमरे का मुआयना करने गए हैं। वॉट? अगले ही पल इंस्पेक्टर घोषाल बुरी तरह से चीख उठा। उसे रोको, किसी भी हालत में वो डॉक्टर नाथ के कमरे तक ना पहुंच पाए। मैं अभी पहुंच रहा हूं, ओवर। कहने के साथ ही घोषाल ने संबंध विच्छेद कर दिया। एसपी गोपीनाथ सब कुछ सुन चुके थे, वे दरवाजे की तरफ लपकते हुए बोले, हरी अप, समय बर्बाद मत करो। यस सर। उधर लिफ्ट में, सर क्या आपको विश्वास है कि डॉक्टर नाथ बच जाएगा और अपना बयान दे सकेगा? नहीं, डॉक्टर नाथ अपना बयान कभी नहीं दे पाएगा क्योंकि उसकी मौत बहुत करीब पहुंच चुकी है। कहने के साथ ही सुनील ने रिवॉल्वर निकालकर सुरक्षा गार्ड्स पर तान दिए। सर सर, ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो इस समय मुझे करना चाहिए। कहने के साथ ही सुनील ने साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। पट पट। आह नहीं। फिर सुनील ने तुरंत रिवॉल्वर अपनी जेब में पहुंचा दिया और फिर जैसे लिफ्ट चौथी मंजिल पर पहुंची, बस इन दोनों से निपटने की देरी है। हॉल्ट, कौन हो तुम? अगले ही पल दोनों गार्ड बड़ी मुस्तैदी से सुनील की तरफ लपके, लेकिन जैसे ही वे सुनील के करीब पहुंचे, पट पट, हाय, आ। जैसे ही रास्ता साफ हुआ, अब मुझे अपना काम कर फौरन यहां से निकल जाना चाहिए। तभी, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। धमकी सुनते ही पट। खतरा भाप, गोपीनाथ फौरन लिफ्ट की आड़ में हो गए, लेकिन घोषाल अब भी सुनील के निशाने पर था। इंस्पेक्टर, तुम्हारी मौत ही तुम्हें यहाँ खींच लाई है। नहीं। मौत को बिल्कुल सामने देख घोषाल के चेहरे का रंग उड़ गया। निकट था कि सुनील ट्रिगर दबा देता और इंस्पेक्टर घोषाल के प्राण पखेरु उड़ जाते। तभी पीछे वाले कमरे का दरवाजा खुला और धाए धाए। अगले ही पल, मुझे अफसोस है मैं अपनी कसम पूरी ना कर सका। कैसी कसम, कौन हो तुम? तभी सुनील हत्यारे की विक को थोड़ा सा खिसका देख मनी मन चौंक उठा। ओह, ये मेरा हमशक्ल नहीं हो सकता। दूसरे पल सुनील ने हत्यारे का विग और चेहरा नोच डाला। विग और रबड़ के मास्क हटते ही, पांडुराम तुम? अगर मैं डॉक्टर नाथ के मारने के बाद तुम्हारी गोली का निशाना बनता तो मुझे अपनी मौत का कोई गम नहीं होता। कहते कहते पांडुराम की आंखों से आंसू बह निकले। आखिर तुम डॉक्टर नाथ की हत्या क्यों करना चाहते थे? सिर्फ डॉक्टर नाथ की नहीं साहब, सुनैना, किशोर और मोहन की हत्या भी मैंने ही की है। डॉक्टर नाथ मेरा आखिरी शिकार था।
लेकिन इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? ये चारों ही मेरे मासूम बेटे के हत्यारे थे साहब, फिर पांडुराम बिना रुके बोलता चला गया। मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। पांडुराम की आवाज लड़खड़ा रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। मैं फौज में नायक था, पत्नी की मौत के बाद मैं नौकरी छोड़कर दार्जिलिंग अपने घर लौट आया था और अपने घर को मैंने गेस्ट हाउस का रूप दे दिया था ताकि आमदनी का जरिया बना रहे। मैं अपने 11 साल के बेटे श्यामू के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहा था। उन दिनों ऑफ सीजन था, कड़ाके की ठंड थी। तभी एक दिन ये चारों मेरे गेस्ट हाउस में आकर ठहरे। मैं, श्यामू और खानसामा बहादुर इनकी जी जान से सेवा करते थे। मेरा श्यामू इन लोगों के साथ कुछ ही दिनों में घुल मिल गया था। एक दिन जब ये लोग टाइगर टॉप देखने जा रहे थे तो श्यामू और बहादुर को भी साथ ले गए। मेरी तबीयत खराब थी, अतः मैं गेस्ट हाउस में ही रह गया। लेकिन दोपहर बाद ये लोग लौट आए। श्यामू को इनके साथ न देख मुझे हैरानी हुई। पूछने पर इन्होंने ये कह दिया कि अपनी नानी के यहाँ चला गया है। बहादुर ने भी यही कहा। मुझे यकीन हो गया। 2 घंटे बाद इन लोगों ने गेस्ट हाउस छोड़ दिया और कलकत्ता लौट गए। 2-4 दिन मैंने श्यामू के लौटने का इंतजार किया, फिर उसके ननिहाल उसे लेने चला गया। पर वहां भी मेरा श्यामू नहीं था। पता लगा वो वहां पहुंचा ही नहीं था। कहते कहते पांडुराम दर्द से कराह उठा, फिर अपनी उखड़ती सांसों पर काबू पाता हुआ बोला, मैंने श्यामू को कहां कहां नहीं ढूंढा, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई, परंतु श्यामू का कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन बहादुर सख्त बीमार पड़ गया। मैंने उसका इलाज कराया, परंतु उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। कहते कहते पांडुराम अतीत में खोता चला गया। मरने से पहले अचानक बहादुर फूट फूट कर रोने लगा। मैं उसे समझाता हुआ बोला, रोते क्यों हो बहादुर, भगवान ने चाहा तो तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। नहीं पांडुराम, अब मेरा अंत निकट आ गया है, मुझे मेरे कुकर्म की सजा मिल रही है। मरते वक्त मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, तुमने मुझ पर बहुत दया की है पांडुराम। मैं समझा नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने तुमसे झूठ कहा था, श्यामू ननिहाल नहीं गया था, तेरे श्यामू को उन सैतानों ने मार डाला था। नहीं, तू झूठ बोल रहा है, मेरा श्यामू जिंदा है, चीखते हुए बहादुर को मैंने झंझोड़ डाला। मैं तुझे भ्रम में नहीं रखूंगा पांडुराम, उन लोगों ने मुझे झूठ बोलने की कीमत दी थी और मैं कमीना लालच में आ गया था। बुहू, कहते कहते बहादुर रो पड़ा। फिर उसने मुझे बताया कि जब वो पहाड़ी पर पहुंचे, आहा क्या सीन है, ब्यूटीफुल, नीचे झांक कर देखो तो और मजा आएगा किसी और, मुझे अभी जिंदा रहना है प्यारे। डर गए? और जब सुनैना नीचे झांक रही थी कि अचानक ओह मेरा बैग, मिल गई ना ज्यादा बहादुरी की सजा। हा हा हा, तुम हंस रहे हो किशोर, लेकिन मुझे रोना आ रहा है, कहते हुए सुनैना फिर खाई में झांकने लगी। उसके पीछे पीछे किशोर, मोहन और डॉक्टर नाथ भी आगे बढ़े और नीचे झांकने लगे। देखो देखो मोहन, वो रहा मेरा बैग, कोशिश करो तो वापस मिल सकता है। पागल हुई हो क्या, वहां तक कोई पहुंचेगा कैसे? एक तरीका है तो सही। कौन सा तरीका, जरा हम भी तो सुने। अगर हम में से कोई एक नीचे लटके और दूसरा उसके पैर थामे रहे तो बैग वापस मिल सकता है। ये तरीका खतरनाक और जोखिम भरा जरूर है, पर कामयाब हो सकता है। लेकिन नीचे लटकेगा कौन? मैं जाता हूं, तुम पीछे से मेरे पैर थामे रहना और जैसे ही मैं सिग्नल दूं ऊपर खींच लेना। नहीं मोहन, तुम्हारा वजन काफी है, संभालना मुश्किल हो जाएगा, इस काम के लिए तो किसी हल्के फुल्के आदमी को जाना चाहिए। तभी मैं जाऊंगा साहब। तुम? हाँ तुम ठीक रहोगे, पर साहब घबराओ नहीं बहादुर, श्यामू को कुछ नहीं होगा। बहादुर ने विरोध करना चाहा, लेकिन सुनैना ने उसे खामोश रहने के लिए विवश कर दिया और फिर उन लोगों ने श्यामू को खाई में लटका दिया। हाँ साहब, थोड़ा और नीचे करिए, थोड़ा और कितना नीचे करूं, मेरे तो हाथ सुन हो रहे हैं, जल्दी करो श्यामू। पकड़ लिया साहब, पकड़ लिया। बैग हाथ में आते ही श्यामू जोर से चीखा और तभी हे भगवान ये क्या हो गया। श्यामू की चीखे नीचे पहाड़ी की गोद में गूंजती रही और जैसे ही मोहन खाली हाथ उठा, आप लोगों ने श्यामू को मार डाला साहब, अब हम पांडुराम को क्या जवाब देगा। पांडुराम से कुछ भी कह देना बहादुर, पर उसे ये पता नहीं लगना चाहिए कि श्यामू मर चुका है, हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। और पैसों के लालच में मैं तुमसे झूठ बोल गया। बहादुर की बात सुन मैं सकते की हालत में बैठा रहा, ये भी पता ना चला कि रोते रोते बहादुर ने कब दम तोड़ दिया। और सच्चाई जानने के बाद मेरे दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी।
मैंने कसम खाई कि अपने मासूम बच्चे के हत्यारों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह, तो ये है वो घटना जिसके बारे में सुनैना ने अपनी माँ को भी नहीं बताया था। जो कुछ हुआ वो एक हादसा था, लेकिन तुमने जानबूझकर कई लोगों की हत्या कर दी। खून का बदला खून ही होता है एसपी साहब। मुझे दुख है कि मेरे हाथों आपके सुरक्षा कर्मी भी मारे गए। मैं क्या करता, बदले का जुनून मेरे सिर पर जो सवार था। लेकिन बदला लेने के लिए तुमने मुझे और मेरा घर ही क्यों चुना? मैंने चुना नहीं सुनील साहब, बल्कि वक्त और हालात ने मेरा साथ दिया। जब मैं शहर में अपने बच्चे के कातिलों को ढूंढ रहा था तो मुझे एक ठिकाने की जरूरत थी। तभी मुझे आपके यहाँ घरेलू नौकर का काम मिल गया। उसी दौरान मुझे आपके विशेष कक्ष में पहुंचने का मौका मिला। वहां रखे मास्क में आपका मास्क भी मुझे नजर आया था, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में कोई योजना नहीं थी, क्योंकि तब मेरी तलाश पूरी नहीं हुई थी। किशोर का कहीं पता नहीं चल रहा था। फिर एक दिन ये सोचकर कि पहले सुनैना से किशोर का पता मालूम कर उसको ठिकाने लगा दूंगा, मैं उसके फ्लैट पर जा पहुंचा। लेकिन शायद कहीं जा रही है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। सुनैना का पीछा करते हुए मैं आपके ऑफिस तक पहुंच गया। वहां सुनैना और आपकी बातचीत सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक योजना ने जन्म लिया। मैं फौरन घर गया और आपका मास्क अपने कब्जे में कर लिया। रात जब आप किशोर से मिलकर लौटने के बाद गहरी नींद सो गए, किशोर को ठिकाने लगाकर ये घड़ी वहीं छोड़ दूंगा और कार्ड उसकी जेब में डाल दूंगा। मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा। जब मैं किशोर के यहाँ पहुंचा, वो नशे की हालत में आपको गालियां दे रहा था। मैंने उस पर आसानी से काबू पा लिया। फिर आपका कार्ड उसकी जेब में रखने के बाद, छोड़ो, क्या करते हो, हिच, तेरी जिंदगी के दिन पूरे हो गए कमीने, कहने के साथ ही मैंने उसे खुली खिड़की से बाहर उछाल दिया और भाग निकला। जल्दबाजी में मैं आपकी घड़ी किशोर के कमरे में छोड़ना भूल गया, लेकिन सीढ़ी में डॉक्टर नाथ से टकराते वक्त वो घड़ी सौभाग्य से गिर पड़ी। यहाँ भी भाग्य ने मेरा साथ दिया। वहां से मैं सीधा सुनैना के यहाँ पहुंचा। सुनैना भी धोखा खा गई। उसकी बहन हमारे लिए चाय छोड़कर चली गई, तो ये चाय तुम्हारी जिंदगी की आखिरी चाय है सुनैना। फिर मैं उससे प्रेम पत्रों की कीमत मांगने लगा, ताकि अगर कामना हमारी बात सुन रही हो तो वो यही समझे कि आप सुनैना को ब्लैकमेल कर रहे थे, और हुआ भी यही। इस तरह आप ही पर पुलिस का ध्यान आकर्षित करते हुए मैंने मोहन को भी मार डाला। लेकिन तभी मुझे डर हुआ कि कहीं आप मेरा इंतकाम पूरा होने से पहले ना पकड़ लिए जाएं, और जब आपको पुलिस की पकड़ से निकलते देखा तो मैंने डॉक्टर नाथ को भी तुरंत खत्म कर देने का इरादा कर लिया। ओह, और तुम अपने इरादे में कामयाब भी हुए। ही इज सिंकिंग, पांडुराम की डूबती आवाज को महसूस कर सुनील चौंकते हुए बोल उठा। पांडुराम को तुरंत इमरजेंसी में लाया गया, लेकिन सॉरी, ये मर चुका है। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी कॉमिक्स खून का बदला खून की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।